नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप अपना चैनल केकेएल न्यूज को देखना ना भूलें। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार लाई झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के बच्चों को अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्त मदद उपलब्ध कराना है। सरकार की इस योजना से वैसे बच्चों जो पहले धन के अभाव में अच्छा शिक्षा हासिल नहीं कर पाते थे, अब उससे वंचित नहीं रहेंगे। अब राशन वितरण में घपलेबाजी नहीं कर पाएंगे पीडीएस डीलर। कार्ड धारकों के निवाले में सेंध लगाने के दिन गए, तो जन वितरण प्रणाली के लाभुकों के लिए अच्छी खबर है। राशन कार्ड धारकों के निवाले में अब सेंध नहीं लगेगी, उन्हें निर्धारित मात्रा में अनाज मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार नई व्यवस्था शुरू कर रही है। इसके तरह राज्य के सभी पीडीएस दुकानदारों को नई इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन दी जा रही है। रांची के नामकुम में संतोष सिंह के क्लिनिक में छापा, 2 घंटे बाद दोबारा क्लिनिक खुलने से चर्चा का विषय बन गया। तो रांची के नामकुम स्थित संतोष सिंह के क्लिनिक में मेडिकल टीम ने छापेमारी की। खुद को वैद्य बताने वाले संतोष सिंह से घंटों पूछताछ हुई, मेडिकल संबंधित कागजात मांगे गए, 24 घंटे की मोहलत दी गई। इसके बाद 2 घंटे बाद क्लिनिक एक बार फिर खुल जाने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। पति और बेटी के साथ कोलकाता जा रही झारखंड की नागपुरी एक्ट्रेस सिंगर की गोली मारकर हत्या। तो रांची के रहने वाले प्रकाश कुमार की पत्नी ईशा आलिया और 2.5 साल की बेटी को लेकर अपनी गाड़ी से कोलकाता आ रहे थे। सुबह 6 बजे महाइसी रेखा ब्रिज के पास प्रकाश ने गाड़ी रोककर पेशाब करने उतरे थे कि इसी समय 3 छिनताईबाजों ने उन्हें घेर लिया और गोली मार दी। सीएम हेमंत बोले, नीतियां बनाने में गुजरात समय नया साल में होगा क्रियान्वयन। ईडी की कार्रवाई पर तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो भी नीतियां बनी है उसे वर्ष 2023 में इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022 में 22 वर्षों से जो राज्य में पिछड़ा क्यों रहा, और इसका जवाब विपक्ष ही दे सकता है, लेकिन आने वाले समय में इस राज्य में जो भी अवसर है वो पूरा होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग नियुक्ति नियमावली, एग्जामिनेशन रूल्स में होंगे बदलाव। तो 7वीं से 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बाद होने जा रही है परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की अभी इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन रूल में बदलाव किए जाएंगे। बदलाव क्या हो, इसलिए जेपीएससी की ओर से क्रामिक विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव की समीक्षा और निर्णय के लिए विभाग की ओर से एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में मैं गिरफ्तार हो जाऊं, नेता और मुद्दों दोनों से विहीन हो चुका हूं। तो अपने शासनकाल के 3 साल पूरे करने वाले मुख्यमंत्री सोरेन आत्मविश्वास से लबरेज हैं, और अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के मुद्दा विहीन बताते हुए जमकर हमला बोला। सरकार के 3 साल पूरे, सीएम हेमंत सोरेन 1200 लाभुकों के खाते में भेजेंगे योजना की राशि। तो सीएम हेमंत सोरेन के शासनकाल को आज 3 साल पूरे हो गए हैं। इस विशेष के मौके पर भव्य समारोह तो नहीं हो रहा है, पर सरकार किसान और स्टूडेंट्स को विशेष सौगात देंगे। सचिवालय सभागार के दोपहर 1 बजे से होने जा रहे समारोह में सीएम हेमंत सोरेन विभिन्न योजनाओं में चयनित 1200 लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही झारखंड वासियों को कई सौगात भी देंगे।